नमस्कार, न्यूज कनेक्ट में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को चिन्याली सॉर्ट से ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया गया है। एम्स ऋषिकेश में सभी का मेडिकल चेकअप चल रहा है। बुधवार दोपहर में इंडियन एयरफोर्स का चीनूक हेलीकॉप्टर मजदूरों को लेकर ऋषिकेश पहुंचा। टनल से रेस्क्यू के बाद मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में रखा गया था। यहां रात भर इन्होंने आराम किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के परिवार को देहरादून में अपने आवास पर बुलाया है। सीएम धामी इगास बग्वाल पर्व के मौके पर मजदूरों के घर वालों के साथ आज दीपावली मनाएंगे। चीन के न्यूमोनिया आउटब्रेक ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र ने 6 राज्यों राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है। उसके बाद राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य विभाग को सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों के लिए खास एहतियात बरतने और दवाओं का पूरा स्टॉक रखने को कहा है। लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा अस्पतालों को बच्चों के इलाज की पूरी व्यवस्था रखने को कहा गया है। मणिपुर में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए 11 दिसंबर तक का समय दिया है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में उन 88 शवों को भी शामिल किया जाएगा जिनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन जिनके घर वाले शव लेने नहीं आए हैं। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा में 187 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी सेना का एक विमान क्रैश हो गया है। इंजन में आग लगने के बाद ये प्लेन जापान के याकुशिमा द्वीप के पास समुद्र में गिरा। विमान में 8 लोग सवार थे। मछुआरों ने समुद्र किनारे एक आदमी को बचा लिया। द्वीप के आसपास बड़े इलाके में विमान का मलबा फैला हुआ है। जापानी मीडिया NHK के मुताबिक अमेरिकी सेना का विमान याकुशिमा एयरपोर्ट पर लैंड होने से पहले ही क्रैश हो गया। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली साउथ अफ्रीका दौरे पर T20 और वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। ये दौरा 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है। कोहली ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से छुट्टी मांगी है। कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से कोई भी T20 मुकाबला नहीं खेला है। टीम इंडिया 10 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 के बीच 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करने जा रहा है। इस दौरे में कप्तान रोहित शर्मा के खेलने पर भी अभी असमंजस बना हुआ है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट।